बेटा यहाँ पर सेलुलर रिस्पारेशन को पहले देखेंगे ठीक है बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है केमिकल रिएक्शन में उसमें क्या होता है आपके पास मैंने सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले कहा था कि जब भी रिडक्शन का वर्ड आए ऑक्सीडेशन का वर्ड आए विथ रिस्पेक्ट टू तो हाइड्रोजन हम सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे ठीक है अगर रिडक्शन हो रही है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल से रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का तो वहाँ पर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और अगर गेन होगा तो वहाँ क्या चलेगी रिडक्शन एंड द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द अनदर मॉलिक्यूल सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ सीरीज़ ऑफ़ द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बाय विच अ लिविंग सेल ऑप्टेन एनर्जी थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली तौर पर जो सेलुलर रिस्पारेशन है ये कोई एक प्रोसेस नहीं है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सीरीज़ में चल रहे होते हैं मतलब पहले ऑक्सीडेशन दैन फिर रिडक्शन दैन पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड देन वाइस वर्सा तो सीरीज़ में कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं बाय विच द लिविंग सेल्स ऑप्टेन द एनर्जी थ्रो द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन का मेन एम क्या होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का मेन एम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना है थ्रो द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर यानी जो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हुआ है दैट इज़ ग्लूकोज ठीक है जी थ्री पी फॉर्म हुआ था दो जी थ्री पी मिल गया ग्लूकोज फॉर्म हो गया अब ग्लूकोज़ कहाँ आएगा सेल Cell में सेलुलर रिस्पारेशन होगी सेलुलर रिस्पारेशन के नतीजे में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और क्या प्रोवाइड करेगा एनर्जी प्रोवाइड करेगा ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड काइंड्स ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह की सेलुलर रिस्पायरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एनोबिक रिस्पायरेशन दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं एनरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर इलेक्टिक एसड फॉर्म होता है जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में नॉर्मली कार्बन डाईऑक्साइड फॉर्म होती है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होती ठीक है टू काइंड्स ऑफ रिस्पायरेशन होती है एक होती है एरोबिक दूसरी एनएरोबिक एरो जो कि प्रेजेंस और अबंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी वो एनएरोबिक नहीं बल्कि एरोबिक कहलाएगी जबकि एनएरोबिक एरो क्या होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट जनरली अंडरगोज द ब्रेक डाउन इन अ सेलुलर रिस्पायरेशन इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इन ग्लूकोज देयरफॉर फॉर ग्लूकोज इज सपोज टू बी द रिस्पायरेटरी फ्यूल एम सी क्यू के तौर पर इस चीज़ को याद रखो कि ग्लूकोज इज कंसिडर्ड एज अ रिस्पारेटरी फ्यूल बिकॉज आपके पास सेलुलर रिस्पारेशन में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी मिले बॉडी को वो कौन है ग्लूकोज ही है इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एरोबिक और एन एरो रिस्पायरेशन के अंदर स्टेप्स जो इनिशियल होते हैं ना वो सेम होते हैं दोनों में दोनों में क्या होता है स्टेप्स इनिशियली सेम होते हैं जिसमें वो किस में टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ़ पायरोवेट में इट मीनस के ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल ऑफ़ पायोवेट में टूटेगा ग्लूकोज के अंदर क्या मौजूद है छः कार्बन आइटम पायोवेट में कितने कार्बन आइटम होंगे तीन कार्बन आइटम तो दोनों आपके पास चाहे एनरोिक रिस्पायरेशन हो चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो पायोवेट बनने तक का अमल दोनों के दोनों प्रोसेस में क्या है सिमिलर है ठीक है कॉमन स्टैप ऑफ एरोबिक एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन कॉल्ड कॉलिस ग्लाइकोलिसिस और जिस प्रोसेस में ये पायरोवेट तैयार होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं मतलब एक बात यहाँ क्लियर हो गई कि जी थ्री पी से ग्लूकोज बनेगा सेलुलर रिस्पायरेशन होगी चाहे एरोबिक हो या चाहे अन हो फर्स्ट स्टेप जो कि ग्लूकोज के साथ परफॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस जिसमें दो पायरुबेड मॉलिक्यूल फॉर्म होने ग्लाइकोलाइसिस अभी हमने आगे देखना है सही है ग्लाइकोलाइसिस से पायरबेड बनना ये पूरे का पूरा प्रोसेस सेलुलर रिस्पायरेशन में भी होगा और सॉरी आपके पास एरोबिक में भी होगा और एन में भी होगा तो सेलुलर रिस्पायरेशन फर्स्ट स्टेप इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एरो रिस्पायरेशन पायरोबेट अंडरगोस इन अ डिफरेंट रिस्पायरेटरी पाथवे डिपेंडिंग अपॉन द एवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अब होता क्या है पायरोवेट बन गया अगर बॉडी में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरोवेट बनने के बाद एरोबिक रिस्पायरेशन के स्टेप्स होंगे और अगर पायरोबेट बता है डेप्थ ऑफ ऑक्सीजन है तो वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया मतलब बॉडी में डेप्थ ऑक्सीजन की तो वो एन एरो की तरफ प्रोसेस प्रोसीड कर जाता है ठीक है देन उसके बाद क्या है इफ़ द ऑक्सीजन इज अवेलेबल फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ टेक्स प्लेस एरोबिकली एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये चीज़ याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एरोबिक रेस्पायरेशन का प्रोडक्ट है विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी थर्टी सिक्स ए टी बी इन यू कैरियर एंड थर्टी एट ए टी बी इन द प्रो कैरियर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कौन है प्रो याड्स प्रो कैरियर प्रो कैरियॉर्ड्स आर द स्मालेस्ट एनिमल्स जिसके अंदर अगर आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन होगी ठीक है पायरोट एरोपायरेशन के थ्रू फर्दर ब्रेक डाउन होगा तो उसमें थर्टी एट ए टी पी बनेगी जबकि यू कैरियोड्स के अंदर कितनी ए टी पी बनेगी थर्टी सिक्स अगर ऑक्सीजन एबसेंट हो जाए तो पायरोट किस में ब्रेकडाउन होगा एन एरोबिकली ब्रेकडाउन होगा और उसमें फाइनल प्रोडक्ट या तो लेक्टिक एसिड होगा या तो इथेनॉ इसी बेसिस पर हम कहते हैं लेक्टिक एसिड एन एरोबिक रिस्पायरेशन या फिर आपके पास इथेनॉलिक एन एरोबिक रेस्पारेशन ठीक है जब एंड प्रोडक्ट इथेनॉल बन रहा होगा या लेक्टिक एसिड जब बन रहा होगा एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर क्या बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां पर क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड और कार्बन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल ये किसके प्रोडक्ट हैं एन एरोबिक रेस्पारेशन के विद द रिलीज ऑफ द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज टू ए टी बी ठीक है तो फर्क याद रखोगे तीन वैल्यूज इसने यहां पर बताई पहली चीज दोनों के मेन प्रोडक्ट बताए एरोपायरेशन में कौन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर एन में? पेन एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट क्या है बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन का मेन प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में एनर्जी और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ए एक्चुअली सही है अब अगर प्रो में एरोबिक रिस्पायरेशन होगी तो कितना होगा आपके पास ज़्यादा दैट इज़ थर्टी एट ए और अगर यू में होगा तो फिर कम ए और वो कितना होगा थर्टी सिक्स ए टी पी विल बी फॉर क्लियर हो गई बात थर्टी एट ए टी पी एंड द थर्टी सिक्स ए टी पी विल बी फॉर एनर्बिक रिस्पायरेशन में क्या होगा एनर्बिक रिस्पायरेशन के मेन प्रोडक्ट्स क्या होंगे या तो लैक्टिक एसिड होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड साथ में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी टू एटीपी और या फिर क्या होगा बेटा इथेनॉल होगा साथ में क्या प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा ए टी पी विल बी फॉर्म और कितने ए टी पी इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड एन रेस्पायरेशन और इसमें क्या बोलेंगे इथेनॉलिक एन रेस्पायरेशन ठीक है अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे एन रेस्पायरेशन का